कम पैसों में कॉकटेल से कैसे कमाना है ये मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर। अच्छा गाइज, आपके पास बहुत सारे ग्रे कॉकटेल होंगे या ग्रे पर्ल होंगे जिनसे आप परेशान हैं, जान छुड़वाना चाह रहे हैं, ये आपके पास ब्रीड भी कर रहे होंगे लेकिन फिर भी आप परेशान होंगे। पूछें क्यों? क्योंकि ये बड़े कम पैसों में बिकते हैं, 1500 रुपये, 1000 रुपये पर पीस के हिसाब से, 1500 रुपये पर पीस, 1200 रुपये पर पीस। तो आप यही सोचते होंगे यार इतने कम पैसों में ये जो है वो बिकते हैं और इतना इनको टाइम लगता है, इससे बेहतर होता मेरे पास इनो होते या मेरे पास वी पाइड होते। तो मैं आपकी गलत फहमी दूर कर देता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा भाई। इनो और वी पाइड ये इतनी ज़्यादा ब्रीड नहीं करते जितना ग्रे और पर्ल करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंडे और बच्चे तो दोनों के एक जैसे निकलते हैं, तो फिर फ़र्क क्यों है? फ़र्क बताता हूँ। देखें, वी पाइड जो है ना ये अपने बच्चों को उस तरह से नहीं पालते जिस तरह ग्रे पालता है। इनो अपने बच्चों को उस तरह से नहीं पालते जिस तरह से चारकोल पालता है। मिसाल के तौर पर चारकोल के अगर 7 बच्चे निकले हुए ना, वो सातों के सातों बड़े हो जाएंगे, पल जाएंगे। इन्होंने अगर 5 भी दिए ना तो मुश्किल बमुश्किल 2 बच्चे बचेंगे आपके, बाकी सब मर जाएंगे। बात होती है पालने की। अच्छा, इनो टू इनो लगाते हैं ना तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सॉफ्ट फूड टाइम पे डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सारे इनो अगर आप इनो टू इनो लगाएंगे तो उनके बच्चे निकलेंगे ही नहीं या ख़राब निकलेंगे या बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। देखें, जो इनो है ना, अगर आप इनो से इनो लगाते हैं तो हो सकता है आपके पास बच्चे 5 निकलें, पाल भी लें, ये सब कुछ ठीक चल रहा हो और काफ़ी लोगों के पास चल भी रहा है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है इनो टू इनो जो है वो बच्चे पालते नहीं हैं या अंडों पर नहीं बैठते या फर्टिलिटी इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है। लेकिन वो कम से बचने के लिए ही तो ये काम आपको जुगाड़ बता रहा हूँ भाई। आप इनो इनो पाइड के पेयर ले लें, एक पेयर इनो पाइड का ले लें, एक पेयर आप वी पाइड का ले लें, एक पेयर आप इनो का ले लें, ठीक है, एक पेयर आप उसका ले लें एग्जीबिशन कॉकटेल का, ठीक है। ये महंगे पेयर हैं। अब जाहिर सी बात है आप इनके 50 पेयर तो ले नहीं सकते, लेकिन ख्वाहिश आपकी है कि 50 ले लूँ पेयर मैं इनके, तो 50 के लिए पैसा बहुत चाहिए। तो आपको जितने 5-6 अगर ले सकते हैं तो 5-6 ले लें। बाकी जो आपके ग्रे कॉकटेल हैं उनको ख़त्म ना करें, जो खास करके बच्चे दे रहे हैं और पाल के बड़े कर रहे हैं, उनको आप अपना साइड पर ब्रीड करने दें, ठीक है। जो आप महंगे वाले कॉकटेल लेकर आएंगे ना, उनका पहला क्लच सबका चेक कर लें कि सब क्या कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दें। अगर वो अपने बच्चे पाल रहे हैं तो ठीक है, नहीं पाल रहे तब भी ठीक है। शुरू के 1-2 क्लच आपने लेने हैं। ये प्रोसेस है तकरीबन 2 साल का, इसमें आपको 2 साल का टाइम लगेगा, लेकिन 2 साल के बाद आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, आपको कॉकटेल कुछ ना कुछ आपको सरप्राइजिंग मनी देता रहेगा। अच्छा, एक पेयर आपने एग्जीबिशन का लेना है, एक पेयर आपने इनो का लेना है, एक पेयर आपने वी पाइड का लेना है और एक पेयर जो है आप येलो क्राउन का ले लें। जो महंगी महंगी ओवरऑल म्यूटेशन हैं उनके सबके एक एक पेयर ले लें, इस तरह आपके पास 6-7 पेयर हो जाएंगे। और ये भी लेना मुझे पता है बहुत मुश्किल है, ये भी 1 लाख से ऊपर की गेम है सारी, कम से कम भी इसमें खरीदने खरीदाने में आपका 2 से 3 लाख रुपये खर्चा आएगा। तो अब जाहिर है कि आप कुछ लगाएंगे तभी कुछ होना शुरू होगा ना। अब आपके पास 10 से 20 पेयर ग्रे के होने चाहिए जो आपके पास पहले से ब्रीड कर रहे हो, 10-20 जोड़े हों। देखें, 20 जितने ज़्यादा फॉस्टर पेयर होंगे ना उतने फॉस्टरिंग के चांसेस अच्छे हो जाएंगे भाई। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 फॉस्टर पेयर हैं लेकिन उनकी टाइमिंग मैच नहीं कर रही आपके बाकी 5 पेयर से, तो किस काम के वो? मतलब अगर उन्होंने बच्चे दिए हुए और उनके बच्चे जो है वो 8-8 दिन के हो गए हैं और आप जो है अपने 1-1 दिन के बच्चे फॉस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो वो नहीं हो सकते, टाइमिंग मैच करनी चाहिए। तो टाइमिंग मैच करवाने के लिए जितने ज़्यादा फॉस्टर पेयर आप रखेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप 30-40 रख लें, उससे होगा ये कि जब भी आपके पास बच्चे निकलेंगे तो कोई ना कोई एक आध पेयर ऐसा होगा जिसके साथ टाइमिंग मैच कर रही होगी, आप उसके साथ बच्चे उसके ऐड कर दें। अच्छा, आपने ये नहीं करना कि भाई अगर कोई पेयर अपने बच्चों को सही से फीड नहीं करवा रहा, खाली उसके ही बच्चे फॉस्टर करें, ज़रूरी नहीं है। जो अपने बच्चों को फीड करवा रहे हैं, महंगा पेयर अगर अपने बच्चों को फीड करवा रहे हैं तब भी फॉस्टर कर लें, उससे होगा ये कि उसकी एक तो लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भी पेरेंट्स बच्चों को फीड करवाते हैं ना तो कहीं ना कहीं जिस्म में थोड़ी बहुत कमज़ोरी भी होती है, गर्मी होती है कई बार, गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कमी हो जाती है पेरेंट्स के अंदर, फीड करवा करवा के पानी की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, विटामिंस की कमी हो जाती है। तो पेरेंट्स जो है वो फीड करवाते हैं जब, तो बच्चों को उनको फ़ायदा भी वो पहुँचता है और थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुँचता है। तो उससे होगा ये कि आप सेहतमंद पेरेंट्स के भी बच्चे जो है वो अलग करेंगे ना जब फीड करवा भी रहे हो तब भी, तो आपके पास क्या होगा, महंगे तोतों की जो ब्रीड है ना वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि आप उनके बच्चे निकाल निकाल के फॉस्टर किए जा रहे हैं और वो दोबारा दोबारा बच्चे जो है वो दिए जा रहे हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल जाएगा और वो बच्चे जो आपके पास बड़े होंगे भाई, मेहरबानी करना उनको बेचना मत, क्योंकि अभी तो आपका सेटअप बनना शुरू हुआ है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 2-3 साल की कहानी है ये। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग कहते हैं वो पेयर लगाओ जिसका बच्चा निकले हम बेचते रहें, बस उसके लिए पैसा बहुत रिक्वायर्ड है ना कि आप 100 पेयर खरीद लो, फिर 100 में से जो भी बच्चे निकलते रहें बेचते रहो, फिर
वो तो तब हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम है तो आपको वेट तो करना जरूरी पड़ेगा भाई, पैसे की गेम है ना सारी। जिस आदमी के पास पैसा होता है वो अपना पैसा लगा के 50 पेयर 100 पेयर ले लेता है और कहता है यार बच्चों को होल्ड नहीं करना भाई, बच्चे निकलते हैं जाए बेचते जाओ, शौक भी पूरा करो, पेयर भी देखते रहो, खुश रहो, बच्चे निकले बेचते रहो, तो वो ये काम अपना शुरू कर देते हैं और उनको फ़ायदा पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। लेकिन एक आदमी जिसने लिए ही 5 पेयर है, जिसके पास टोटल है ही 20 पेयर, तो उसको चाहिए कि काम करे, अपनी ब्रीड में से फालतू बच्चे जो निकल रहे हैं वो बेच दे, जो महंगे वाले बच्चे हैं वो रोकता रहे और उनसे अपनी एक नई पलटन तैयार करे, ताकि आपके पास महंगी महंगी क्वालिटी के कम से कम भी 50-100 पेयर होने चाहिए आपके पास, तभी जाके आपका काम बनेगा बड़ी आसानी से। गाइस कॉकटेल में जो है ना वो नाम बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, बाकी बर्ड जो है ना वो आसान है काफ़ी। कॉकटेल बहुत इंटेलिजेंट है ना, इसको ये समझता है हर चीज़ को कि मेरा मालिक मुझे कब क्या चीज़ खाने को दे रहा है, नहीं दे रहा, मेरे ऊपर तवज्जो की जा रही है नहीं की जा रही, इसको सब पता होता है। तो ये इसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ते जाएंगे, चलो मैं कल कर लूँगा, सफाई मैं कल कर लूँगा, ये मैं कल कर लूँगा, सॉफ्ट फूड आज नहीं डालते, तो ये पहचानते हैं, ये बड़े तेज़ होते हैं, ये अपने बच्चे नहीं पालते, ये गुस्से में आ जाते हैं, ये छोड़ देते हैं, बच्चे नहीं पाले जाते इनसे। और ये बड़ा फैंसी बर्ड है, बाकी बर्ड भी फैंसी हैं लेकिन ये सुपर क्लास फैंसी होते हैं, इनके नखरे उठाने पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई बंदा अगर कॉकटेल का ब्रीडर बन गया और उसने अपना नाम बना लिया और लोग अगर उसको जानते हैं कि भाई हाँ यार इसने माशाल्लाह 100 पेयर जो है ना हैंडल किए हैं या 200 पेयर इसने हैंडल किए हैं और इसके पास बच्चों का रेशियो जो था वो 2-2 का आ रहा था, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, यकीन करें। फिर वो बंदा फिशर से भी ब्रीड करवा सकता है, फिर वो बंदा बजरी से भी करवा सकता है, फिंचों से भी करवा सकता है, ग्रे बर्ड से भी करवा सकता है, सबसे करवा सकता है वो, क्योंकि बाकी तमाम बर्ड जो है वो इतना तंग थोड़ी करते हैं बच्चे पालने के अंदर, इनको सॉफ्ट फूड चाहिए होता है। और कॉकटेल की खास बात ये खाते कम है, इतना ज़्यादा नहीं खाते, ये गंद भी नहीं करते ज़्यादा, तो इनके लिए इनके पर भी कम झड़ते हैं बाकी परिंदों की बनस्बत अगर देखा जाए, तो बहुत साफ सुथरा बर्ड है, इसको लेके चलेंगे बहुत मज़ा आएगा, कमाने को भी मिलेगा, बरकत बहुत है इसमें। आप शुरू इसको करेंगे और अल्लाह आपकी बाकी 6 चीज़ें खुद ब खुद इसके साथ शुरू करवा देगा। मुझे ही देख लें मैं मशहूर कैसे हुआ। सो हाय गाइस, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, तो कॉकटेल से मेरा नाम बना, मुझे इज्जत मिली, अल्लाह ने बरकत डाली मेरे काम में, तो कॉकटेल से मेरा मतलब हो गई काफ़ी सारी चीज़ें, तो आपको भी अल्लाह पाक बहुत बरकत देगा। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आने वाला है, अगर आप में से किसी को भी ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए या बच्चे बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, जिनके पास बच्चे मर रहे हो, डॉक्सीसाइक्लिन भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी, अगर वायरल आ गया तो उसके लिए एंटीबायोटिक हार्ड का इस्तेमाल होता है। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, आपको घर बैठे मिलेगी, आपके घर पे कुरियर होके। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें, सेंड करते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327-231-0040। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।